एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, काफ़ी दिन से बिजी चल रहा था, तो मैं इस बार ओबी एग्ज़ाम पे काफ़ी कुछ काम नहीं कर पाया। हालांकि मेरे आप पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पुराने वीडियोज़ में दे रखी है। तो आप मेरे चैनल के वीडियो में जाएंगे और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर कि मैंने आपके ओबी एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ के लिए फर्स्ट पेज कैसे बनाएं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लेके आएँ, रजिस्टर कैसे करें, ये सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। फिर भी मैं दोबारा कोशिश पर करूँगा बनाने की उसको, पर किसी कारण से मैं बना नहीं पाता। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ओबी 2021 में आप देखेंगे बहुत सारे वीडियो काम के मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट पेज कैसे बनेगा आपका, पूरा पेपर कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे कैसे आपको अच्छे नंबर लाने के लिए काम करना है, आपको रजिस्टर कैसे करना है ओबी की साइट पर। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी के लिए बना रहा हूँ, ओबी की साइट पर कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए थे तो आपको पता होगा कि आपने रजिस्टर किया होगा ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो है वो कैसे सबमिट करेंगे अपना ओबीई पे रजिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखना, ओबीई देने के लिए आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसओएल की। तो एसओएल की जो साइट है आपकी, उसको आप जब लॉग इन करेंगे अपने आईडी से तो वहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा, और नहीं भी दिखाई दे रहा तो ये आपको मैं अभी एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है सबसे नीचे देखो HTTP है ना, लिखा हुआ है SOLOBE.UOD.AC.IN। ये जो ईमेल, ये जो सॉरी आपका जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना है, वरना आप इसको टाइप भी कर सकते हैं अपने वेब पोर्टल पे, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं ये एड्रेस SOLOBE.UOD.AC.IN। आप खाली SOLOBE गूगल में डाल दोगे तो भी आपका ये पेज खुल जाएगा, है ना। आपको ये एड्रेस ट्रेस करना है। अब करना क्या है, एक बार ध्यान से देख लो, सुन लो, हालांकि मेरा वीडियो पुराना पड़ा हुआ है पर फिर भी दोबारा से देख लो इसको। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर ऑन बिलो मेंशन URL फॉर डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। साफ साफ क्लियर है कि आपको यहाँ अपना आईडी क्रिएट करना है, और आपको आईडी क्रिएट करने के बाद उस पर अपना क्वेश्चन पेपर यहीं पर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑप्शन आएगा, और यहीं पर आप पेपर को अपलोड करोगे। तो कोई और साइट नहीं है, यही आपकी साइट है एसओएल वालों के लिए, जहाँ पर आपको अपना करना है पेपर को डाउनलोड और अपलोड। तो इसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा अपना आईडी क्रिएट। ये आईडी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए लिखा दो साफ साफ, फॉर दिस पर्पज़ स्टूडेंट हैज़ टू गिव हिज़ और हर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जब यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका नाम मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, और आपका शायद एसओएल का यहाँ पर रोल नंबर भी लास्ट टाइम मांगा था उन्होंने, वो डालना पड़ेगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे आएगा आपको OTP, पहले वो डिटेल को वेरीफाई करेगा जो आपकी डिटेल है एसओएल के रिकॉर्ड में, DU के रिकॉर्ड में, उसके बाद वो डिटेल मैच हो जाएंगी तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपको आएगा OTP। उस OTP को आप जब एंटर करोगे तो आपका फिर नया पेज खुल जाएगा, और वहाँ पे आपको और कुछ डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा भरनी होगी। उसके बाद आपका वो जो है जो लिंक है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में भी इसी को यूज़ करना है। मॉक एग्ज़ाम होगा तो आपको ही इसी का यूज़ करना है, हर काम में आपको इसी का यूज़ करना है आज के बाद, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर आपको करना है रजिस्टर नंबर, और लिखा भी हुआ है नीचे, इस कार्य के लिए विद्यार्थी को अपने चालू मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो जो आपका आईडी आपका चालू है, एक्टिव है, उसी को आप दें, किसी और आईडी को ना दें, ठीक है। तो आप इस आईडी पोर्टल पे रजिस्टर कर लो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा लॉगिन करने में, ठीक है। तो फटाफट से इस पे जाके क्रिएट कर लो। DU का भी आईडी है, देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ DU का आईडी क्या है। ये देखिए, ये है आपका OBE का पोर्टल, DU वालों स्टूडेंट्स के लिए नाम है इसका OBE.UOD.AC.IN, आपको टॉप में दिखाई दे रहा होगा, वरना आप गूगल सर्च के अंदर भी डाल सकते हैं OBE DU, तो भी आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। SOL वाले डालेंगे SOL OBE DU, और जो आपके हैं DU वाले डालेंगे OBE DU। तो OBE.UOD.AC.IN ये जो आईडी है, ये DU का एग्ज़ाम वालों का और NCVAP वालों का, दोनों के लिए ये आपका अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर करना है साइन इन, अगर आपका पहले से आईडी क्रिएट है आप साइन इन करेंगे, वरना आप यहाँ पर लिखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो SOL के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके पहले अपना रजिस्ट्रेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद होगा। तो ये देखो, ये है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपको मोड सेलेक्ट करनी है, तो सीधी बात है, मोड आपकी कौन सी सेमेस्टर है या ईयर है, उसके बाद को प्रोग्राम सेलेक्ट करना है आपका, जो प्रोग्राम है BCom है, MCom है, जो भी है, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है सिलेक्ट कर लो। नेम ऑन एडमिट कार्ड, जो आपका नेम है एडमिट कार्ड पे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा उसके बाद ही हो पाएगा ये एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। बाद में आपका ये डालने के बाद वो आपसे पूछेगा आपका
ईमेल आईडी और बाद में फ़ोन नंबर दोनों पूछेगा। अगर आप सबमिट कर दोगे इसको तो आगे वो आपसे डिटेल पूछेगा आपका, और आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो फटाफट से डीयू के रेगुलर के स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स, एसयूएल के स्टूडेंट्स, सभी लोग फटाफट से अपने अपने पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करो, मॉक टेस्ट भी शायद आपका 1-2 दिन में हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करो। और मैं वीडियो बनाऊंगा कि फर्स्ट पेज कैसे लिखना है, नहीं तो आप मेरे लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं ओबीई के ऊपर, काम आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।